श्री शिवाय नमस्तु भी हम। फ्रेंड्स, हमें कई फ़ोन आते हैं, मेल आते हैं और लोग व्हाट्सअप करते हैं, सब मेरा बिजनेस जो चल नहीं रहा उसका क्या कारण है, क्या वास्तु के अंदर कोई ऐसा दोष है, मेरे वहाँ पे कस्टमर आ ही नहीं रहा। दुकान कई दिनों से मैंने खोल रखी है, बहुत अच्छे मार्केट के अंदर दुकान है, पर मेरे वहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा। अगर मेरे जैसी ही मार्केट के अंदर मेरी ही प्रोडक्ट की बहुत सारी दुकान है, वो अच्छी चल रही है, पर मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा, क्या मेरी एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे वास्तु में कोई प्रॉब्लम है, या मेरा भाग्य ही मुझे साथ नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, भाग्य हमेशा नया बनता है, जितना काम करेंगे उतना भाग्य बनेगा। भाग्य को यहाँ पे आप मत डिस्टर्ब कीजिए, मत उसको कोसो। आप अगर कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पे जाके देख लीजिए या वास्तु के सब्जेक्ट पे जाके देख लीजिए, क्योंकि वो दो चीज़ भगवान ने हमारे उद्धार के लिए ये शास्त्र बनाया है कि कहीं ना कहीं हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो शास्त्र की अध्ययन करने से या किसी एक्सपर्ट को बुलाने से उस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। ये वास्तु शास्त्र में बिलीव करना, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना अंधविश्वास नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके घर के अंदर सर्दी जुकाम हो गया तो आप कहाँ जाएंगे, आप कोई मॉल में जाके कोई कंपनी के पास तो जाएंगे नहीं कि भाई मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, उसके लिए पैसिफिक कोई एक्सपर्ट के पास जाएंगे यानी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जिस तरह से आपका एक फैमिली का डॉक्टर है, इस तरह से आपके पास तीन तरह के महारथी होने चाहिए। एक तो डॉक्टर जो है और सालों से है, वो प्रथा चली आ रही है, इसलिए आप उसमें बिलीव कर रहे हो, और डॉक्टर जो आपके हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को केयर करता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझ रहे हो। बाकी जो दो तरह की शक्तियाँ है, दो तरह के एक्सपर्ट है, वो भी आपके फैमिलियर होने चाहिए, एक तो वास्तुशास्त्री और एक ज्योतिष। ये दो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा आपके अगल बगल में ही रखनी चाहिए। जो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र आपकी दो आँखें हैं, ये जितनी भी आँखें आप आपकी तेज कराएंगे या उसको इतना मेंटेन करेंगे कि तो आपको विघ्न आते हुए दिखेंगे, विघ्न का रास्ते दिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम की समस्याओं की प्रॉब्लम्स पता चलेगी, उसके रास्ते दिखेंगे, और आपको कोई भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है वो आप खुद देख सकोगे, या नेगेटिविटी घर में है या मुझ में है या मेरी लाइफस्टाइल में या मेरे वहाँ पे मेरे वास्तु के अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है। तो आज यही वास्तु का इम्पोर्टेंस क्यों है ना, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ये चक्र दिखाते हैं, ये चक्र इसलिए हम दिखाते हैं कि आप वास्तु सरल से सीख लो, सरल से समझ लो। आपके घर को इसमें आपको इमेज करना है, किस तरह से इमेज करना है, हम आपसे कोई दिशा नहीं पूछेंगे कि आपके घर की दिशा कौन सी है, हम आपसे खाली इतना ही पूछ रहे हैं कि आपके घर में सूरज कहाँ उग रहा है। तो आप हमें कहेंगे कि हमारा सर सूरज है वो यहाँ पे है, और जर्नली सूरज यहीं पे ही होता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये जो ईस्ट डायरेक्शन है वो सूर्य भगवान की दिशा है, सूरज यहाँ से ही हमारा उदय होता है, और ये अस्त होता है पश्चिम दिशा में। तो ये पश्चिम दिशा, यानी आप ये ऐसे हम बात करें तो आप यहाँ जब खड़े रहेंगे तो आपके सामने वाली जो दिशा है, यानी आपका मुंह इधर है, तो ये आपकी हो गई पूर्व दिशा। अब आपकी जो लेफ्ट साइड है, मीन्स समझो ये पूर्व दिशा है, तो ये लेफ्ट साइड आपकी है, तो ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, राइट साइड आपकी हो गई पश्चिम दक्षिण दिशा, और बैक साइड हो गई आपकी पश्चिम दिशा। ये सिंपली चीज है। अब बिजनेस और ये दिशा से कैसे मैच करता है, तो दिशा ही आपकी दशा बदलती है। किस तरह से दिशा दशा बदलती है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो उधर दो समस्या है कि आपके वहां पे लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी नामना नहीं है, नाम नहीं है या नाम बिगड़ा हुआ है। दूसरा, आपके वहाँ लोग आ रहे हैं पर आपके पास बिजनेस नहीं हो रहे, यानी आपके साथ उसका व्यवहार नहीं बन रहा। तीसरा, क्या सब कुछ है पर उसके साथ जनरेट नहीं हो रहा, यानी धन नहीं आ रहा। तो ये बहुत कुछ है। और चौथा है कि बिजनेस हो रहा है पर धन नहीं बच रहा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे अनावश्यक खर्चे हैं, और आप कह रहे हो वो खर्चा फिलफुल कर रहे हो, आप अच्छी कार का ईएमआई भर रहे हो, हर महीने दो महीने तीन महीने नया मोबाइल ले रहे हो, घर के इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, और घर के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहे हो, और कह रहे हो बिजनेस नहीं चल रहा। तो जो पैसा है तो उससे ही सब कुछ सोल्व हुआ ना, तो बिजनेस तो चल ही रहा है, पर वो पैसा क्या हो रहा है, जाने का मार्ग उसका ज़्यादा है और आने का मार्ग कम है। ये यहाँ पे पकड़ना है कि वो किस कारण सर है कि हमारी जावक ज़्यादा है और आवक कम है।
तो यही आज की वीडियो का पूरा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी ब्रांड की। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ब्रांड ऐसे पहले नहीं बनेगी, बनेगी धीरे धीरे धीरे, कि आपके ब्रांड को कैसे मार्केट में एकदम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट यानी सोशल एसोसिएशन। अगर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, कौन सा वास्तु दोष है, वहाँ पे शौचालय, किचन, कोना कटा हुआ, गंदा पानी, या वो कोना वो दिशा बहुत ऊंची, तो आपके सोशल लोगों के साथ आपका जुड़ना नहीं होगा, यानी आप लोगों तक आपकी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं होगा। जब तक वो प्रचार नहीं होगा, आपके कोई चीज़ मार्केट में नहीं जाएगी, मार्केट में नहीं जाएगी तो आप उस चीज़ की ब्रांड नहीं बनेगी। यानी ईस्ट डायरेक्शन के वास्तु दोष आपको हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। आगे समझाएंगे क्या क्या वास्तु दोष होता है। अब है साउथ, ये है ब्रांड। अगर यहाँ पे भी कुछ एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी आ गई, तो भी आपके बिजनेस के अंदर आपकी चीज़ कोई एक बार तो ले गया, पर वो जब उसका बायर हो गया, यूज़र हो गया, पर उसने इसके लिए आपको पॉजिटिविटी रिव्यू नहीं दिए, तो ये चीज़ दूसरी बार वो लेने नहीं आएगा। ओके, तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट पड़ा हुआ है। यहाँ की जो एक साइंटिफिक एक रासायनिक क्रिया है, वो क्या होता है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि लोग आपकी चीज़ यूज़ कर लेंगे, पर उसके लिए आपको रिफंड में कुछ आपके एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, जिससे और कस्टमर नहीं बनेंगे। ईजी चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब रही बात वेस्ट में, तो यहाँ पे वेस्ट में अगर गेन प्रॉफिट में कोई डिस्टर्बेंस होगा, साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस होगा, या WSW में डिस्टर्बेंस होगा, तो वो पैसा बचने वाला भी नहीं है, बिजनेस रिलेशन भी नहीं बनेंगे, बिजनेस बढ़ेगा भी नहीं, गेन प्रॉफिट भी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट से नई नए कस्टमर का आना, वो है नॉर्थ, NNW, ये जो चीज़ है ये अट्रैक्शन है, आपके प्रोडक्ट पे अट्रैक्शन करना, फिर आपके वहाँ पे आना और आपसे नई अपॉर्चुनिटी यानी आपका बिजनेस को बढ़ाना, सिंपली चीज। अब इसको कलर के माध्यम से आज देखेंगे, फिर अगली वीडियो में हम इसी को मेटल के माध्यम से देखेंगे, फिर उससे अगली वीडियो में हम इस जोन के अंदर देखेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है। यानी वीडियो 4-5 पार्ट में बनेगी, ये स्पेशली बिजनेस वालों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए, ये छोटे बड़े गल्ले के लिए, छोटी बड़ी दुकान के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ये 4-5 दिशा ही आपकी दशा में प्रॉब्लम ला रही है। अगर ये दिशा सुधर गई तो आपकी दशा सुधर गई। तो कलर के माध्यम से बात करते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो वही पहले से ही हम लोगों को आपकी पहचान कराना, यानी आप पे वहाँ पे पोर्टफोलियो, यानी लोगों का आना जाना कराना। शॉप के अंदर अगर लोगों का आना जाना नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है, वही दिखा रहा है। अब देखिए, ये है ईस्ट डायरेक्शन। अब ये ईस्ट आपके वास्तु के अंदर पूर्व दिशा देखनी है आपको, वहाँ पे देखना है आपकी दुकान, फैक्ट्री या घर के अंदर कि ग्रीन कलर यहाँ पे वास्तु के नियम से, यहाँ पे इसका ऑपोजिट कलर है वाइट कलर, वाइट कलर तो नहीं है, यहाँ पे येलो कलर तो नहीं है, अगर वाइट और येलो कलर है तो उसको वहाँ से रिमूव करवा दीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पे लोगों का आना नहीं बनेगा और आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्लियर। यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर या आइवरी कलर। ओके, नहीं समझ आए तो फ़ोन कर लेना, फ़ोन पे बता दूंगा, बट एग्जैक्टली यहाँ वाइट कलर नहीं होना चाहिए और येल्लो कलर नहीं होना चाहिए। क्लियर। यही कारण था, देखिए कितना छोटा कारण है और आपका बिजनेस नहीं चल रहा, और आप कितने समय से पैसा डाल रहे हो, कितनी प्रॉब्लम्स कर रहे हो और कितनी झमेला उठा रहे हो कि भाई हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। तो जिसका बिजनेस नहीं चल रहा और उसके वहाँ पे अगर ये कलर्स है, तो वो 100% इसी का कारण है कि बिजनेस नहीं चल रहा। अगर उसको ये टिप्स यूज में आ रही है और वो कलर वहाँ से रिमूव करके, मैंने जो कलर बताया वो कलर करके अगर उसको फायदा होता है, तो वो मुझे 1,00,000 रुपया रिटर्न कर दे, उसको जो मैंने आज ये नॉलेज दी है। ये 1,00,000 रुपये की नॉलेज है, इसके बाद जो टॉपिक है वो 4,00,000 रुपये का है। तो इससे क्या होता है कि आपके बिजनेस में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना, वो खाली बात अगर हम बेचेंगे ना तो भी पैसा कमाएंगे, खाली बोलेंगे तो भी, फ़ोन पे खाली इतना ही बोलना है कि यहाँ से ये कलर हटा दो, लाइफ सुधर जाएगी। कहाँ कैसे बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्र के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, पर वो हमारा विषय है, हमको पढ़ना है और हमको आपको देना है, जो देना है फ्री ऑफ चार्ज, जो हम आपको भी दे रहे हैं उसका हमें पैसा नहीं चाहिए। यानी यहाँ से थोड़ा कलर हटा के देखिए, कुछ तो करके देखिए,
कलर का खर्चा 5-10 हज़ार होगा, 2-5 हज़ार होगा, पर बिजनेस कितना अच्छा चलेगा और वो बिजनेस चेंज करने वाले नहीं है। मर मर कर चलना, इससे उसको चेंज कर दो ना यार, उसको कलर चेंज कर दो। अब आ रही है हमारी साउथ में ब्रांड बनाने की बात। ब्रांड नहीं बनेगी तो भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट कलर ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक वाइट कलर नहीं आना चाहिए, ये सब कलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ब्लू कलर बिल्कुल मत रखिए, वाइट कलर बिल्कुल मत रखिए, बाकी आइवरी कलर ले लो, रेड कलर ले लो, येलो कलर ले लो, थोड़ा बहुत ग्रीन कलर ले लो, तो ये कलर यहाँ पे होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ का ये कलर चलेगा और यहाँ यानी जो मैं दिशा की बात कर रहा हूँ उसके राइट और लेफ्ट दोनों कलर यहाँ पे कम मात्रा में, पर इसका ऑपोजिट ये कलर यहाँ पे नहीं लेना। और ये जो है ना, ये वाइट है, इसको आप वाइट कलर ही गिन के चलिए, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात आ रहा है हमारी स्किल, रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, हमारा सेविंग, हमारा गेन प्रॉफिट, ये सब चीज़ येल्लो कलर और वाइट कलर को गवर्न करता है। तो यहाँ पे येल्लो कलर होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए, आइवरी कलर होना चाहिए, स्टील ग्रे कलर होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा अवॉइड करना है, तो सीधा इसके सामने जाएंगे तो ब्लू और इसके सामने जाएंगे तो ग्रीन, यानी इसके सामने वाला ब्लू अवॉइड करना है और ग्रीन वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओके। कितना ईजी है, थोड़ा बहुत कलर चेंज कर दीजिए, क्या पता ये कलर आपका जीवन में 7 रंग भर दे, इतनी आनंद, उम्मीद और पॉजिटिविटी लेके आ जाएंगे ना ये नए कलर जो आप करवाएंगे कि आप हमें याद करेंगे, ओके। अब यहाँ पे नॉर्थ में कस्टमर को बुलाना है, यानी कनेक्ट तो हो चुका है पर आ नहीं रहा, नई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, कहाँ से आएगी यहाँ पे येलो कलर जो कर रखा है। येलो कलर की आपने थोड़ी बहुत यहाँ पे कोई पेंटिंग लगा दी, कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे आप देखेंगे तो गलती से आपने यहाँ पे रेड कलर की कुछ चीज़ें रख दी, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम है, ये इसका एंटी है, यहाँ पे रेड नहीं येलो नहीं। इसी तरह यहाँ पे हम बात करेंगे, वाइट कलर कुछ करा दिया आपने, इट इज एंटी कलर, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। और वापिस आपको बता रहा हूँ कि येलो कलर करवा दिया आपने, ये इसी डायरेक्शनों में ये येलो कलर्स, तो ये सब आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये जो जोन है उसके खुद के कलर से ऑपोजिट कलर यहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी चीज़ें कलर की बता रहा हूँ, थोड़ी समझ लेना, नहीं है तो मैं तो हुई, आप जब भी मुझे फ़ोन करेंगे मैं तो फ़ोन उठाता ही हूँ, पर कंडीशन होती है कि कुछ उसके लिए मुझे तो डॉक्यूमेंट भेजो, मेरे को ऐसी कोई पिक भेजो, अगर पिक ग्रिड वाली नहीं है तो उसको ग्रिड बनवाओ, पैसा डालो या मुझे पैसा दो, मैं किसी से करवा लूँ, मेरा तो बोलना और आपको समझाना ही है जो फ्री ऑफ चार्ज है, पर मैं कहीं पर जाके किसी को बोलता हूँ ये ड्रॉइंग कर, उसका तो पैसा लगता है ना, वही हम आपसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे समझो कि ये एंटी कलर्स है, अब इसका क्या निवारण हो सकता है, तो मैं थोड़ा सिंपली निवारण बताता हूँ। जब जब यहाँ पे रेड कलर है और यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो कि आपने ब्लू कलर कर दिया, ओके, तो ब्लू और रेड उसको बैलेंस करने वाला ग्रीन कलर, तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर की बल्ब लगानी है, यहाँ एलईडी लाइट, जिससे यहाँ बैलेंसिंग होगा। ये छोटा है सैंपल्स, बाकी फ़ोन पे आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको और दिशा की भी रेमेडी दिखा दूंगा। ये कॉम्बिनेशन समझ लीजिए कि ब्रांड नहीं बन रही है, ब्लू कलर है, या अब क्या करना है, हटा नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, बल्ब लगा के एक बार टेस्ट तो करिए, रेमेडी है, काम कर गई तो, वैसे भी सब रेमेडी है ना, कोई फिक्स नहीं है, इसका 100% होने वाला नहीं होने वाला, जो चीज़ पूरी करने से 100% होने की सिक्योरिटी नहीं है तो उसको 20-25% उसका कोई ऑल्टरनेट तो करके देखिए, क्या पता यहाँ ही हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो फ्रेंड्स कुछ भी समस्या है आपके साथ है संस्था, आपकी फ़ोन कीजिए, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, क्या पता यहाँ से कुछ निकल के आपके घर के अंदर कोई सोल्यूशन हो जाए और आपके जीवन में कोई चेंज हो जाए, बिजनेस में चेंज हो जाए, तो वो हमारा सौभाग्य रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।